नमस्कारम। एक प्रश्न है गुरुजी, मैं जब ध्यान करता हूँ तो ध्यान में झटका लगता है और थर्ड आई पे ध्यान करता हूँ तो पूरे थर्ड आई पे गर्माहट महसूस होता है और वाइब्रेट करता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब आप ध्यान करते हैं तो इसका विज्ञान यह है कि आपके जो सूक्ष्म शरीर है वो 72,000 नाड़ियों का समूह है। जब नाड़ियों कहते हैं हम सूक्ष्म शरीर, तो एक एनर्जी बॉडी है, प्राणिक बॉडी आप समझ सकते हैं। तो 72,000 नाड़ियाँ यानी कि एनर्जी चैनल्स है, उसमें प्राणिक फोर्स प्रवाहित होती है। जब ध्यान हम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर की सारी नाड़ियाँ शुद्ध होती है, धीरे 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 सारे नकारात्मक चीज़ें निकलती है, ब्लॉकेज खुलते हैं। तो जब ध्यान करते हैं तो झटका लगता है, तो आपके नाड़ी का शोधन भी होता है, आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर कुछ घटित होता है, झटका जो मरता है चक्स, तो प्राण जो तत्व है वो प्रवाहित होता है, वो जाके झटका मारता है कहीं पर कुछ ब्लॉकेज को खोलने के लिए। इसीलिए इस तरीके के अनुभव होते हैं। इसे आप मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस कह सकते हैं, यौगिक क्रियाएं समझ सकते हैं, और ऐसी यौगिक क्रियाएं होती ही है। तो जिन लोगों के साथ ऐसे अनुभव हो रहे हैं, आगे चलकर वो कुंडलिनी जागरण आत्मबोध करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और उनके साथ ये कभी कभी होती है, तो ये अच्छी बात है। और जिनको थर्ड आई पे ध्यान कर करके वाइब्रेट या एनर्जी महसूस होता है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आप एक जगह ध्यान केंद्रित करते हैं, इसीलिए आपका ध्यान का जो एनर्जी है एक जगह ही एकत्रित हो जाता है, जिसके वजह से वाइब्रेट महसूस होता है। और जो लोग थर्ड आई पर बहुत जगह ध्यान करते हैं और वाइब्रेट होते हैं, ऐसे मेरे कई एक्सपेरिमेंट रही है, उन लोगों को मैंने जब भी शक्तिपात किया था वो तुरंत जागृत भी हो गए थे, क्योंकि वो ध्यान कर करके एक पॉइंट पे उनकी शक्ति जो है वो एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। तो जैसे शक्तिपात की जाती है तो पूरे बॉडी में, उनके सूक्ष्म शरीर में एक तूफान मच जाता है, पूरा हलचल मच जाता है और पूरे ऊर्जावान हो जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है। उस वक्त वो फिर होश में नहीं रहते हैं। मैं सभी साधकों से पूछता हूँ तो कहते हैं पता नहीं चला, जब भी आपने शक्तिपात की तो हमें पता ही नहीं चला क्यों हाथ पैर हिला रहे थे, चिल्ला रहे थे या ये हो रहे थे। चलिए, ये क्रिया है तो ये ऐसी होती है, तो ये अच्छी बात है। ध्यान में आपको झटका लगना यानी कि एनर्जी चैनल्स में वो प्राण तत्व प्रवाहित होता है, इसलिए ऐसा होता है, ब्लॉकेज खुलता है। तो और ये प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है आपके अंदर। ठीक है, धन्यवाद।